हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग का इवैल्यूएशन सेंटर चेंज हो गया, ये अभी न्यू अपडेट है। पहले भी चेंज हुआ था, पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, लेकिन अभी अभी जो चेंज हुआ है वो सभी का ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। तो आप लोग को ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये न्यू एड्रेस नोट नहीं किया तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रिवेल्युएशन के लिए और आंसर शीट की फोटो कॉपी के लिए, इन सभी के लिए आप लोग को इवेल्युएशन सेंटर में ही अपना फॉर्म भेजना पड़ता है। तो आप लोग को जानना जरूरी है कि कौन कौन सा जो इवेल्युएशन सेंटर है वो चेंज हो गया और उसका न्यू एड्रेस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग को देखना चाहिए। आप लोग देखिए, मैं आप लोग को सारा बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा नया चेंज हुआ है, ठीक है, और न्यू उसका एड्रेस क्या है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो है अपडेट, ये अभी न्यू अपडेट हुआ है इग्नू की तरफ से। ये ऑफिशियली अपडेट कर दिया गया, जितना भी एड्रेस चेंज हुआ है, तो इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग वहां से देख लीजिए और पुराने से कंपेयर कर लीजिए कि आप लोग का पुराना कौन सा था और अभी नया कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग का जो जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है तो वहां से आप लोग एड्रेस मिला लीजिए, ठीक है, कि आप लोग का वहां पे दिया हुआ है कि एड्रेस ये पहले, ये अभी न्यू एड्रेस है, पहले का एड्रेस मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। पहले का एड्रेस ये यहाँ पे था, ये पहले वाला है, और ये जो है, सॉरी, ये जो है ये बाद, ये अभी का है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा एक मरतबा देख लीजिए, तो मैं आप लोग को एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो किसका किसका चेंज हुआ है मैं बता दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी का चेंज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोग को बता दूं मैं, शिलोंग, गुवाहाटी, जोरहाट, ईटानगर, इम्फाल, अगरतला, गैंगटोक, कोहिमा, एजवाल, ठीक है। यहाँ पे जिसका भी एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता था उनका पहले जो एग्जाम रिवेल्युएशन सेंटर था वो था, यहाँ पे दिखा रहा है गुवाहाटी में था, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन गुवाहाटी, ईटानगर, इम्फाल, शिलोंग, अगरतला, गैंगटोक, कोहिमा, एजवाल, ठीक है। तो इनका जो इवेल्युएशन सेंटर था पहले गुवाहाटी में था, 781005 उसका पिन कोड था, जो अभी चेंज होकर कहाँ हो गया है, मेघालय, ठीक है, मेघालय में हो गया, उसका पिन कोड हो गया 793014। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो है लखनऊ का जो इवेल्युएशन सेंटर था वो, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़, नोएडा, करनाल, चंडीगढ़, इन सबका सेम है जो पहले था, ठीक है। जो जो चेंज हुआ है वो मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का सेम है। अच्छा, बैंगलोर वाला बहुत चेंज हो गया है, जिनका भी एग्जामिनेशन सेंटर कोची में है, तिरुवनंतपुरम में है, वडकरा में है, चेन्नई, मदुराई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बैंगलोर, बाजीपुर, पानाजी यानी कि गोवा और पोर्ट ब्लेयर, उनका पहले रिवेल्युएशन सेंटर जो था वो था कोचीन में यानी कि केरला में था, जो कि अभी चेंज होके हो गया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, सॉरी, अभी कोचीन में हो गया है, पहले कहाँ पे था मैं दिखा दे रहा हूँ, हाँ, पहले आप लोग का चेन्नई में था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये पहले का है, ठीक है, जो पहले इवेल्युएशन सेंटर था, और ये जो मैं आपका स्क्रीन पे ये अभी देख रहे हैं ये अपडेटेड वर्सन है, जो अभी जिसका एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अपडेटेड वर्सन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो अपडेटेड वर्सन है, ठीक है। तो वहां पे एड्रेस आप लोग चेंज कर लिए, तो मैं आप लोग को दोनों दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा चेंज हुआ है। तो देखिए, जिनका भी विशाखापट्टनम, बैंगलोर, बाजीपुर, पानाजी ये सब में था, उनका अब हो गया है कोचीन। तो आप लोग एड्रेस नोट कर लीजिए, और आप लोग का अगर रिवेल्युएशन देना है या आंसर शीट की फोटो कॉपी लेनी है तो आप अभी न्यू एड्रेस यहाँ पे सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, पहले ये चेन्नई में था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब सबसे और इंपॉर्टेंट बात, कोलकाता में जिसका कोलकाता का था, पटना में था, देवघर, सहरसा, भागलपुर, दरभंगा, इन सबों का था, तो सभी का इवेल्युएशन सेंटर अब भुवनेश्वर हो गया है। तो आप लोग को जो जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो भी इसी के फेवर में बनाना है, यानी कि भुवनेश्वर के फेवर में बनाना है, कोलकाता के फेवर में नहीं बनाना है। देखिए, पहले जो कोलकाता का था वो यहाँ पे बागुईहाटी शो कर रहा है, ठीक है, कोलकाता, दरभंगा, रांची, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये शो कर रहा है और अभी हो गया है वो भुवनेश्वर, ठीक है। और जो चेंज हुआ है वो है रांची का, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, रांची, इनका अब हो गया है मध्य प्रदेश, पहले कहाँ पे था, पहले ये भी कोलकाता में था, ठीक है। तो ये लोग, आप लोग अपना अपना जो भी आप लोग का रीजनल सेंटर है, सॉरी, जो भी इवेल्युएशन सेंटर पहले था और अभी है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, डिस्क्रिप्शन का लिंक में एड्रेस देख लीजिए, ठीक है, और अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे चेक कर लीजिए कि एग्जामिनेशन सेंटर जिसका जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, अपना आपका शहर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे और पास में उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको रिवेल्युएशन करवाना है अपने पेपर शीट का, अगर आपका आंसर मार्कशीट कम आया है, मार्क्स कम आया सॉरी, और आपको अगर रिवेल्युएशन कराना है या फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट लेना है, तो आपको तो रिवेल्युएशन सेंटर में ही भेजना होगा, इवेल्युएशन सेंटर में। तो आपको अब न्यू एड्रेस ये है, ठीक है। तो इसका आप डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से देख के उसके बाद ही भेजिएगा, नहीं तो अगर आप पहले वाला एड्रेस पे भेजिएगा तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, डिमांड ड्राफ्ट भी कैंसिल करना होगा और फिर से वो रिटर्न भी आ जाएगा, आप लोग का फायदा भी नहीं होगा। तो ये था, ये न्यू अपडेट था, क्योंकि पहले जो था इग्नू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट नहीं किया था, अभी अपडेट कर दिया है सारा एड्रेस, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग जैसे जल्दी जल्दी इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, अपना चेक कर लीजिए कि आपका जो न्यू इवेल्युएशन सेंटर का एड्रेस है वो क्या है, और उसी हिसाब से अपना इवेल्युएशन रिवेल्युएशन करवाना है तो आप लोग अपना फॉर्म वहीं पे भेजे, ये है न्यू एड्रेस। तो उम्मीद है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी न्यूज आती रहेगी मैं आप लोग को बताता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have an awesome day. Thank you so much.